हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब पर। जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पर आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया गया है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, आपको अगर थ्योरी थ्योरी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रट लेते हैं तो कभी भी आप 90+ नहीं ला सकते। इसलिए आपको थ्योरी के अलावा रिएक्शनें बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, और उन रिएक्शनों को मजबूत करने के लिए आपको फार्मूले तैयार करने की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। फार्मूलों के बारे में आप मुझसे नहीं कह सकते कि हमें याद नहीं होते, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए फार्मूलों पर, दो फार्मूलों पर, जिससे आप उन्हें देख लेते हैं तो केमिस्ट्री के फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर जो कोई नया फार्मूला है उसे लिखते जाइएगा, ट्रिक से आपको वहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको ट्रिक लगाना है। मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक से समझा दिया है फार्मूले किस प्रकार होंगे। तो अभी तक मैं एक सीरीज चलाता रहा हूँ जिस पर मैं आपको बताता रहा हूँ क्या होता है जब, लेकिन अब यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे प्राप्त करोगे। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, पांच पांच नंबर पे आते हैं। पांच पांच नंबर यानी 10 नंबर, तो ये क्लियर ही क्लियर है कि हमको आना ही आना है। दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो जाती है, रायमंड टीमन अभिक्रिया, उल्टज अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया, तो इस प्रकार पूछ लेता है उल्टज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और रायमंड टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से रिएक्शन भी पूछ लेता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसे मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, समझ में आने की पूरी पूरी गारंटी मेरी होगी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। जो आज की जो दोस्तों पहली रिएक्शन है, तो आज की जो पहली रिएक्शन है वो है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफार्म से एसिटिलीन। अब दोस्तों, आपको क्लोरोफार्म का फार्मूला पता होना चाहिए, एसिटिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए। अब जैसा कि आप किसी को दोस्तों ढूंढ रहे हैं मार्केट पर, अगर आप उसी को नहीं पहचानते हैं या फिर उसका कोई अड्डा नहीं जानते, तो आप बिल्कुल भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, एसिटिलीन का अगर आप फार्मूला नहीं जानते, तो इसका मैंने अड्डा बताया, पर्टिकुलर एक वैसा फार्मूला बताया जिससे सारे फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है, वह होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। और क्लोरोफार्म को तो पूछिए ही मत, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में तो मैं कई वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर क्लोरोफार्म का मेरा फार्मूला हो गया CHCl3, और इसका फार्मूला हो गया एसिटिलीन का C2H5। अब बात आती है कि इसको प्राप्त कैसे करना है, कि ये इस किस प्रकार से क्या किया जाए तो ये प्राप्त हो जाए। तो इसे मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो यहां पर लिख लेता हूं CHCl3+Ag। जब हम दोस्तों सिल्वर के साथ इसकी दो ले लेते हैं क्लोरोफार्म के, जब दो दो अंक क्लोरोफार्म के हम ले लेते हैं, और आप यहां पर भी एक दिमाग लगा सकते हैं स्टूडेंट, कि यहां पर हमें बनाना है C2H2, यानी कार्बन की संख्या दो है। अगर मैं एक बार इसको ले रहा हूं क्लोरोफार्म को, तो हमें कार्बन की संख्या दोस्तों एक ही मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे अब मैं इतने से रिएक्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे दो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो सी की हो सकता है, तो यहाँ पर और दो एच की हो सकता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एच है और एक सी है, तो मैंने दो लगा दिए, तो दो एच और दो सी हो गए। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया C2H2। जो आपको बनाना था स्टूडेंट वो तो बन गया है। अब इसके बाद हमें ये रिएक्शन भी बैलेंस करनी होती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने दो का मल्टीपल करवाया दो कार्बन पाने के लिए, तो मेरे पास दो एच भी हो गए, तो हमारा एसिटिलीन जो था वो बन गया। इसके बाद हमारे पास Cl3 3×6 हो गए, और Ag हमारे पास एक हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं AgCl निकाल देता हूँ प्लस में Ag और Cl, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक Cl है और यहाँ पे हमारे पास 6 Cl है, यहाँ पे हमारे पास एक Ag है और यहाँ पे हमारे पास भी एक Ag है। तो Ag तो बैलेंस हो रहा है, परंतु Cl बैलेंस नहीं हो रहा। देख सकते हैं दोस्तों, ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, इसकी भी यही एक विधि है। तो यहाँ पर हमने देखा कि Cl 6 है, तो यहाँ पर भी हमें 6 Cl करने के लिए यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर देते हैं तो Ag इधर 6 हो जाते हैं, तो हमें इधर Ag 6 करने के लिए इधर भी Ag 6 का गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों इसे जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आपने इसको देख लिया है तो दूसरी रिएक्शन के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे।
तो यहाँ पे हमारी आज की अगली रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन। अब हमें ब्यूटेन का दोस्तों फार्मूला पता होना चाहिए कि ब्यूटेन का फार्मूला होता क्या है। तो जो दोस्तों ब्यूटेन का फार्मूला होता है वह होता है C4H10। इसके बारे में मैंने आपको एल्केन का फार्मूला बताया था, तो आप अगर एल्केन का फार्मूला जानते हैं तो H10 होता है यहाँ पर। अगर आप एल्केन का फार्मूला जानते हैं तो ब्यूटेन का फार्मूला निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अब मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा, आप ब्यूटेन, एथेन, मेथेन सारे सभी एक फार्मूले से निकाल सकते हो, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक पर। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाना है तो हमें एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, ब्यूटेन का पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला जानते होंगे, C2H5 एथिल का होता है और ब्रोमाइड के लिए हम यहाँ पे BR लगा देते हैं। एथिल बेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई, वही वीडियो एक वीडियो में सारा निदान फार्मूलों का आपका होने वाला है। तो क्यों ना आप वहां से जाकर पहले उस वीडियो को वॉच कर लें और फिर यहाँ पर इस वीडियो को देखें तो आपके ज्यादा समझ में आने वाला है। तो अब दोस्तों जब भी हम एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन प्राप्त करते हैं तो हम यहाँ पर उल्टज अभिक्रिया लगाते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उल्टज अभिक्रिया लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम उल्टज नहीं लगाते तो फ्रैंक लैंड अभिक्रिया लगा सकते हैं, फ्रैंक लैंड। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं उल्टज अभिक्रिया से आपको बताने वाला हूँ। तो उल्टज अभिक्रिया जब भी कभी करवाई जाती है, एथिल ब्रोमाइड हो चाहे मेथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, इसके बाद हम वहाँ पर सोडियम जरूर हमको लेना पड़ता है। याद रखना दोस्तों ये अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उल्टज उल्टज अभिक्रिया जब भी हम कभी कराते हैं तो इसकी क्रिया सोडियम के साथ किसी भी एक एल्कोहल एथिल मेथिल को ले लेते हैं और क्लोरीन ब्रोमीन कुछ ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने सोडियम ले लिया है। अब हमें देखना क्या है, हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए। सी के कितने चाहिए? 4 चाहिए। और हमें कितने गिवेन है? 2 गिवेन है। और हमें एच के कितने चाहिए? 10 चाहिए। हमें कितने गिवेन है? 5 गिवेन है। इससे सिंपल से दोस्तों पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा तभी हम यहाँ पे C4 बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 × 4 तो यहाँ पर C4 हो गए। अब इसके बाद H10 बनाना था तो 5 × 10 तो यहाँ पे हमारा H10 हो गया। अब जो हमारा बनाने वाला मेन कार्य था हमारा वो पूरा हो चुका है, परंतु हमें इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा अन्यथा रिएक्शन गलत होगी। तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसकी भी एक वीडियो है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको C2H5 आपका निकल गया, 2 लेकर निकल गया, अब 2 BR बचे आपके पास और Na बचा। तो आप जानते हैं कि NaBr एक फार्मूला होता है, जो बचा दोस्तों उसका एक मोस्ट फार्मूला बनाया जाता है जो होता है रियल में। अब आपने क्या देखा कि Na जो एक है, Na इधर भी एक है, तो Na की संख्या आपस में बैलेंस है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर BR 2 है और यहाँ पर BR 1 है, तो हमारी इधर BR में बैलेंसिंग गड़बड़ा रही है। तो यहाँ अगर 2 BR है तो यहाँ भी हमें 2 BR करना होगा, मतलब तराजू को बराबर बैलेंस करना होता है। तो यहाँ 2 BR करने के लिए मैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर देता हूँ। जब ऐसा करता हूँ तो Na भी 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 1 Na रहता है, फिर बात गड़बड़ाती है। तो फिर मैं यहाँ भी 2 कर देता हूँ। हमारे रिएक्शन जो एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन प्राप्त करना था वो इस प्रकार से पूरी हो जाती है। इसी को हम करते हैं उल्टज अभिक्रिया। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, उल्टज अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। तो इसे रिएक्शन को वेरी बेहतरीन तरीके से कर लेना, और इसी को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन और बता देता हूँ। और बस आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अब बताने जा रहा हूँ, देखना। तो यहाँ पर मैंने आपको एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे वो समझाया, किस तरीके से, उल्टज अभिक्रिया से। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्रैंक लैंड। कैसे दोस्तों? फ्रैंक लैंड, क्योंकि दोस्तों कभी कभी पूछा जा सकता है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया पर टिप्पणी और उल्टज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल गहराई तक लेके जाता हूँ, इसीलिए यार अगर 90+ इसी प्रकार आते हैं रिएक्शनों को और हर कुछ करते हुए, ना कि आपको थ्योरी से, कभी भी आपके 90+ नहीं आ सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी कभी फ्रैंक लैंड अभिक्रिया की जाती है तो वहाँ पर Zn लिया जाता है, और जब कभी उल्टज अभिक्रिया की जाती है तो वहाँ पर सोडियम लिया जाता है। बस आप इतना बात याद रखिए। यहां से मैंने उसी प्रकार C2H5Br ले लिया है क्योंकि हमारे पास कंडीशन है एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन। ये रिएक्शन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर उल्टज अभिक्रिया और ये फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। तो C2H5 और BR, ये ना सोचना कि इसको देख लिया तो इसको स्किप करके हटाते हैं, ये कभी दिमाग में मत लाइएगा। अब इसके बाद हमें बनाना है ब्यूटेन। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब कभी आप उल्टज अभिक्रिया लगाते हैं तो सोडियम लेते हैं, और जब कभी आप फ्रैंक लैंड अभिक्रिया लगाते हैं तो Zn लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर Zn ले लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है,
उसी प्रकार रिएक्शन करनी है। सी फोर एच टेन पाना है तो यहाँ पर आपको मैंने अभी अभी समझाया टू लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं सी फोर एच टेन फिर से प्राप्त कर लिया हूँ। इसके बाद प्लस लगाया, मैंने क्या देखा जेड एन बी आर फार्मूला होता है तो जेड एन बी आर मैंने बना दिया। फिर रिएक्शन को उसी प्रकार के आप बैलेंस नहीं कर सकते, मुझे जरा बैलेंस करके बताइए। बैलेंस तो आप कर ही सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर दो बी आर है तो मुझे यहाँ दो बी आर करना पड़ेगा, इधर दो जेड एन हो गए तो मुझे यहाँ पर दो जेड एन करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कैसे प्राप्त करोगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वही केमिकल रिएक्शन और ये पूछी जाने वाली है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखें और इसको भी पूरी कंप्लीट लास्ट तक देखें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।